रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आमने सामने हो सकते हैं। खबर है कि बाली में होने वाली G20 बैठक के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने दोनों नेताओं को आमंत्रित किया है। अमेरिका का भी मानना है कि अगर पुतिन आते हैं तो ज़ेलेंस्की को भी बैठक में जरूर जाना चाहिए। क्या इंडोनेशिया में पुतिन ज़ेलेंस्की होंगे आमने सामने? क्या रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच दोनों का होगा सामना? क्या G20 की बैठक में होगा घमासान? दुनिया भर में जारी तनाव के बीच इंडोनेशिया के बाली में होने वाली G20 देशों की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की संभावना है, लेकिन दुनिया की नजरें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बैठक में शामिल होने पर है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा कि G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को आमंत्रित किया गया है। ज़ेलेंस्की ने साफ किया है कि देश की सुरक्षा के हालातों पर उनका शामिल होना निर्भर करेगा, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि अगर पुतिन G20 बैठक में हिस्सा लेते हैं तो ज़ेलेंस्की को भी शामिल होना चाहिए। इससे पहले जो बाइडेन कह चुके हैं कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, इसलिए उन्हें G20 की बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए।